सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई टीम सुशांत के कुक नीरज को लेकर सांता क्रूज वाले गेस्ट हाउस आई है। यहीं पर रहकर टीम पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद भोपाल के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सीआईडी ने आंध्र प्रदेश के खाजीपत में रहने वाले आईपीसीओ के पूर्व चेयरमैन गुज्जाला श्रीनिवासुलू के घर पर छापेमारी की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और कहा कि मंगलकर्ता विघ्नहर्ता के आशीष की आज पूरे देश को आवश्यकता है। बीएसएफ की 103 बटालियन की सरहदी चौकी ढल के अधीन आते इलाके में बीएसएफ के जवानों द्वारा हिंद पाकिस्तान सरहद पर 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर करने की खबर है। पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निकाली मास्टर कार्ड के पदों में वृद्धि के लिए टेट पास बेरोजगार बीएड अध्यापक यूनियन की तरफ से नारे लिखने की मुहिम तेज कर दी गई है। पुलिस जिला अमृतसर देहात के एसएसपी श्री ध्रुव दहिया के दिशा निर्देशों के तहत सब डिवीजन अजनाला के डीएसपी श्री विपन कुमार के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के चलते एक व्यक्ति से 4000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। दिल्ली के धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर कनॉट प्लेस में गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा की गई। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस की संख्या 30 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 54,000 पार कर चुका है।